एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज दिन है फ्राइडे और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 बज रहे होंगे। और बस मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, तो लंच वगैरह हमारा हो गया है। और आज मैंने बालों में शैम्पू किया है और इतना ज़्यादा ऑयल डाला हुआ था, देखो शैम्पू से भी नहीं निकला है, लेकिन बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं ये देखो। और अभी बाल थोड़े से गीले हैं, तो मैं बालों को थोड़ा सा सुखा रही हूँ। और हम लोगों की तैयारी हो रही है शादी में जाने की, तो यहाँ देखो सारे सामान मैंने फैला के रखा है। ये साड़ी है जो मुझे पहननी है, और यहाँ पे मेकअप का सामान मैंने रख लिया है, और ये है चूड़ियाँ, ये देखो इतनी सारी चूड़ियाँ पहननी है। और अभी सेट बनाना है इसका, तब जाके पहन पाएंगे। अभी देखो ऐसे रखो, इतनी सारी चूड़ियाँ पहननी है। और यहाँ के कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, तो मुझे साड़ी पहन के जाना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और साड़ी पहनेंगे, मेकअप करेंगे, तो टाइम लग ही जाता है, तो बस थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, बाल सूख जाएं, इसके बाद फिर मैं तैयार हूँगी। और धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, सच में बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, और सर्दी तो बिल्कुल से चली गई है। देखो हम लोग बिल्कुल स्वेटर वेटर सब हाफ टी शर्ट में आ गए हैं, और हल्की हल्की सी सर्दी है, और ऊपर से अच्छी खासी धूप निकली हुई है, तो बस सर्दी भी बस टाटा बाय बाय बोल रही है। जाने वाली सर्दी है ये, बहुत अच्छी लगती है ये जाने वाली सर्दी, थोड़ी थोड़ी सी ठंड होती है और धूप होती है, मज़ा आ जाता है। और नीचे देखो पार्क में पानी लगा रहे हैं भैया, ये देखो पूरे पार्क में पानी पानी डाल दिया है। डेली पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ना धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, तो पार्क में डेली पानी लगाएंगे पेड़ पौधों में। तो मैं थोड़ा सा धूप में खड़ी हो गई हूँ, जल्दी से बाल सूख जाएंगे और इसके बाद फिर मैं तैयार हूँगी। तो यहाँ पे मशीन मैंने लगाई हुई थी, कपड़े भी धुल गए हैं, तो जल्दी से पहले मैं कपड़े फैला देती हूँ, तो जल्दी से तैयार होने लगेंगे, क्योंकि टाइम लगेगा मुझे तैयार होने में, और नहीं तो फिर इनका हल्ला शुरू हो जाएगा। चलो लग जाते हैं काम में, पहले कपड़े फैला देते हैं और इसके बाद फिर मैं तैयार हूँगी। यान को भी तैयार करना है और मुझे खुद भी तैयार होना है। मैंने पहनी हुई है रेड कलर की साड़ी और पूरे तैयार हो गए हैं, और चलो चलते हैं शादी में। और मुझे जाना है दिल्ली, तो चलते हैं भाई, दिल्ली का ट्रैफिक भी मिलेगा हमें रास्ते में। और यान को भी मैंने तैयार कर दिया है, तो चलते हैं, सब लोग रेडी हो गए हैं और बस निकलना है। चलो लाइट ऑफ कर देते हैं। भी रेडी हो गया है, बिल्कुल कोट पैंट पहन के तैयार हो गया है, आ रहे हैं, चलो लॉक लगा के आ रहे हैं। फाइनली हम लोग निकल गए हैं और बस पहुंचते हैं। मैं पहली बार जा रही हूँ दिल्ली में शादी अटेंड करने, अभी तक मैंने अपने यहाँ की शादी की है और यही मेरी शादी की है, लोकल वाली शादियाँ की हैं, दिल्ली की मैंने अभी तक एक भी शादी अटेंड नहीं की है। पहली बार मैं दिल्ली में शादी अटेंड करने जा रही हूँ, चलिए देखते हैं कैसी होती है यहाँ पे शादियाँ, और टाइम लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने में। और अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, और देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे। और ये शादी है ससुराल की तरफ की है, तो हेयर स्टाइल की कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी, बस ऐसी सिंपल सी बनाई हुई है, क्योंकि मुझे वहाँ पे सर ढकना है। हाँ, तो पहली बार दिल्ली में शादी अटेंड करने जा रहे हैं, और इतने सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ, अभी एक भी मैंने शादी अटेंड नहीं की है, सिर्फ बर्थडे पार्टी वगैरह बस यही अटेंड की है, और शादी में मैं पहली बार जा रही हूँ। चलिए देखते हैं कैसी होती है यहाँ पे शादी।
दिनों से चल रहे हैं ये 1 घंटे से 16 मिनट बताया जा रहा है ये, और इतनी रात हो गई है, 7:30 बज गए हैं, अभी भी पहुंचे नहीं है। लोग आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, पूरे आते आते कितने 3 घंटे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए सच में, कमर टेढ़ी हो गई है बैठे बैठे, और नेट ने इतना घुमाया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी मिला हमें, रेड लाइट ट्रैफिक बहुत सबसे बड़ी मुश्किल में आए हैं, और पतली पतली गलियों से होके आए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो चलते हैं भाई, सच में बड़ी मुश्किल में आ पाए हैं, और नेट ने तो बहुत ही घुमा दिया, बहुत ही ज्यादा। मैं आ रहा हूँ, ठीक है। उल्टी आ रही थी, अब तो नहीं आ रही है ना चलो कहाँ से जाना, ये होटल है, होटल से शादी है, और हमें भी नहीं पता अभी कहाँ जाना, तो अभी देख रहे हैं कहाँ चलना है। तो हम लोग होटल पहुंच गए हैं, और यहाँ पे ना होटल में 2-3 शादी थी, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था हमें कौन से साइड जाना है। भाई मैं तो पहली बार गई हूँ दिल्ली में शादी अटेंड करने, तो भाई ऐसी शादी मैंने पहली बार देखी है कि एक ही जगह पे 3-3 शादियाँ हो रही हैं। फिर हमने रिसेप्शन पे जाके पूछा है, तब जाके हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे डेकोरेशन कितना अच्छा है, और ये एंट्रेंस एरिया है, यहाँ से एंटर करते हुए हम लोग अंदर जाएंगे, और यहाँ पे देखिए डेकोरेशन बड़ा सुंदर किया हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा था। और हम लोग ना बिल्कुल ठीक टाइम पे पहुँचे हुए थे, ज़्यादा गेस्ट नहीं आए हुए हैं, और ये जो सजाया हुआ है ये मंडप वाला एरिया है, यहाँ पे फेरे होंगे, और इसी के पीछे था जयमाला वाला स्टेज, तो छोटा सा स्टेज बनाया जाता है, बना हुआ था। तो ये पूरा शायद होटल का स्विमिंग पूल वाला एरिया है जिसको डेकोरेट कर दिया है, और बस यहाँ पे ये पूरा सारा स्टार्टर लगा हुआ है, यहाँ बैठ के आप अपना, तो यहाँ बैठ के स्टार्टर करिए। और हम लोगों ने खूब सारी चीज़ें खाई हैं स्टार्टर में, तो स्टार्टर से ही हमारा पेट भर गया था, फिर हम लोग ना खाना में कुछ भी नहीं खा पाए थे, वो खाना भी बहुत अच्छा था। और ये देखिए स्विमिंग पूल को कितना अच्छा डेकोरेट किया गया है, ये पूरा स्विमिंग पूल है जिसे डेकोरेट कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टर खा रहे हैं अपना, मैं मोमोज खा रहा, यहाँ पे रियान खा रहा है मोमोज, और मैंने लिए हैं फ्रूट्स, ड्रैगन फ्रूट्स है, ये कीवी है, क्या हाँ, तो ड्रैगन फ्रूट्स को टेस्ट करते हैं, चलो मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ। तो ये है ड्रैगन फ्रूट्स जो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, तो मैं इसको पहली बार खा रही हूँ, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। कुछ भी टेस्ट नहीं है, बिल्कुल बेकार होता है, और नाम होता है इसका ड्रैगन फ्रूट्स, ये बहुत महंगा मिलता है, कोई टेस्ट नहीं है, बकवास है बकवास। इससे तो अच्छा ये कीवी है, कम से कम अगर मीठी नहीं होती है तो खट्टी तब भी होती है। पे है मुझे तो सारी चीजों का टेस्ट लिया था मैं टेस्ट करूं, खट्टा है। तो अभी हम लोगों ने स्टार्टर वगैरह कर लिया है, और यहाँ पे देखिए पूरा खाना लगा हुआ है, तो अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ है, खाना स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है। और यहाँ पे क्या है देखते हैं, तो यहाँ पे ना 3-4 शादी हो रही है इकट्ठी एक ही होटल में, तो यहाँ पे दूसरी शादी हो रही है, शायद यहाँ पे दूसरी शादी हो रही है,
तो हमारे यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे खाना होगा, तो ये सिटिंग एरिया है और वहाँ पे खाना, ये डाइनिंग टेबल है, हाँ ये डाइनिंग एरिया है। तो इधर रियान ने खाने में लिया है वेज बिरयानी, हक्का नूडल और मंचूरियन है, वाइट सॉस पास्ता है, और ये पता नहीं क्या छोले थे वाइट, और ये नाचोज वगैरह हैं और पापड़ लिया है। तो इतना कुछ रियान ने लिया है अपने लिए। तो हम लोगों ने खाना खा लिया है और इधर बारात भी आ गई है। तो जिस शादी में हम लोग गए थे तो ये उसकी बारात है। और अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और अभी देखो दिल्ली में कितना ट्रैफिक है। हम लोग अभी खड़े हुए हैं, रास्ते में हैं और इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक हो रखा है, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है और इतनी रात हो रखी है, 11:30 बज रहे हैं। घर आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और अभी जयमाला वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, बस खाना खा के हम लोग आ गए। बारात आ गई थी, बारात देख ली और बस, क्योंकि कल शिवरात्रि है तो इस वजह से फिर हम नहीं रुके हैं, बस खाना खा के ही निकल आए थे। तो चलिए, दिल्ली की शादी हमने कर ली है, बहुत अच्छी शादी थी, मज़ा आ गया। इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, लिमिटेड लोग थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ना तो हम उन लोगों को जानते थे ना वो हम लोगों को जानते थे, बस जो जिसकी शादी में गए थे बस वो ही, एक बुआ थी बस वो ही जानती थी और कोई नहीं जानता था। मज़ा आ गया, दो दो तीन तीन बरातें देखी हमने और मज़े किए ना, खूब दबा दबा के खाना खाया है, तो बढ़िया खाना था, बढ़िया शादी थी। चलिए, तो अब बहुत थके हैं, अब सोएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो का कर रही हूँ यहीं पे एंड। तो ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।